एक और बात रितु ने पूछी है कि प्रभु जब मैं सुबह वाले ध्यान में बैठती हूँ तो शुरू में पोस्चर ठीक रखती हूँ, बाद में ख़राब हो जाता है, तो हमें फिर से अपना पोस्चर ठीक करना चाहिए या ऐसे ही बैठना चाहिए? देखिए, खराब से तात्पर्य क्या है? पहली बात तो ये, मैंने तो कहा सीधा बैठना और वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो कंफर्टेबल है, सहयोगी है। तो खराब अगर ऐसा है कि आप बिल्कुल गर्दन झुका के बिल्कुल हो गए या टेढ़े मेढ़े हो गए, या शुरू में तो उठे किसी तरह से और लगा गुरुजी ने कहा था सीधे बैठना है, फिर सीधे सीधे कंफर्टेबल सीधे हुआ कि झुकते 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 सीधे बिस्तर पे और तकिए पे और फिर गए, अगर ये वाला ख़राब है तो ये बड़ा मुश्किल है, फिर इससे बचना है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हमारा जो स्पाइन का, जैसे जो सीधा रखना मैं कहता हूँ, वो झुकता है, तो फिर आप कुछ कुशन का उपयोग करें, कुछ सपोर्ट का उपयोग करें, सिर सीधा रखने का अभ्यास करें, उससे फर्क पड़ेगा, उससे एक संतुलन आएगा बॉडी माइंड में। तो कुछ दिन इसके अभ्यास में डालें और जो पोस्चर बदला है वो कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल ये नहीं कि बिस्तर और तकिए पे जाके सो जाने वाला कंफर्टेबल, या सोफे पे बैठें तो धीरे 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 पीछे टिका के और कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल नहीं। आप बैठें और आपको हर्ट नहीं हो रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो वो ठीक है। तो मेंटेन करने की थोड़ी कोशिश करें शुरू में, अभ्यास हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सब हो जाएगा, फिर आप सहजता से उसमें बैठे रह पाएंगे। ये देखिए क्या होता है ना कि ये जो पोस्चर जिसको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये तुम्हारे बॉडी माइंड की हीलिंग के लिए भी बड़ा अच्छा है। अगर सुबह सुबह अपनी स्पाइन को सीधे रखते हुए, अपने सिर को सधा हुआ बैलेंस्ड रखते हुए और अपने ब्रीदिंग पर खास ढंग से काम करते हुए तुम बैठ पाते हो, तो जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो बड़ा अच्छा पैदा हो जाता है, दिन भर के लिए काम आता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ी कोशिश करके उसको मेंटेन करें और कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश करें, कोई सपोर्ट अगर संभव हो तो वो ले लें। Thank you.